ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कई बार देर से चलते हैं और गार्जियंस को पता नहीं लगता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। और एक बार जब बच्चा चलने फिरने लग जाता है तब पैरों में छोटा बड़ा होने की वजह से गार्जियंस के समझ में आता है कि मेरे बच्चे के कूल्हों में कुछ प्रॉब्लम है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेताव राय है और मैं हेरिटेज हॉस्पिटल में अस्थि रोग चिकित्सक के रूप में पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से कार्य कर रहा हूँ। आज हम बच्चों में होने वाली कुछ एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। इस बीमारी में यह समस्या होती है कि जन्म से ही बच्चे के कूल्हे का जो बॉल होता है वो सॉकेट के बाहर होता है। इस बीमारी की विशेषता यह है कि कई बार यह दोनों कूल्हों में एक साथ होता है और इतने छोटे बच्चे, जन्मजात बच्चे में कई बार यह सही समय पर पकड़ में ही नहीं आता। बच्चा ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कई बार देर से चलते हैं और गार्जियंस को पता नहीं लगता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। और एक बार जब बच्चा चलने फिरने लग जाता है तब पैरों में छोटा बड़ा होने की वजह से गार्जियंस के समझ में आता है कि मेरे बच्चे के कूल्हों में कुछ प्रॉब्लम है। इस कंडीशन में बच्चे को कूल्हे में कोई दर्द वगैरह नहीं होता है और इसलिए यह बीमारी अक्सर मिस हो जाती है। और कई बार यह बीमारी दोनों कूल्हों में एक साथ होती है। ऐसी कंडीशन में इस बीमारी का पता लगाना बहुत कठिन होता है क्योंकि दोनों पैरों की लंबाई सेम होती है। बच्चा एक बार जब चलने लग जाता है और उसकी चाल कुछ वैडलिंग गेट होती, कुछ अजीब तरह से चाल होती है, तो बहुत ध्यान देने पे ही गार्जियंस को पता लगता है। और अक्सर ऐसे बच्चे हमारे पास आते आते बहुत लेट कर देते हैं, 5 साल 6 साल की उम्र में आ जाते हैं। तो इन बच्चों को सही समय पे, जन्म के समय पे या जन्म के पहले साल के अंदर यानी कि इन्फेंसी में अगर हमें पता लग जाए तो हम इनका बगैर ऑपरेशन के सिर्फ बेल्ट या पाब्लिक्स हार्नेस या ब्रेस बनाकर में पैरों को रखकर इनका इलाज कर सकते हैं। तो यह देखा गया है कि अगर जन्म के बच्चों में ज़रा भी कुछ ऐसा लगे कि कूल्हों में कुछ प्रॉब्लम है तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं। तो आज मैं इसी तरह के एक केस के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो एक बच्चा लगभग 2 साल की एज में हमारे पास आया था और उस बच्चे के दोनों कूल्हों की हड्डियाँ बाहर निकली हुई थी। बेसिकली उन लोग कलकत्ता के थे लेकिन उन्होंने कई बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली में, पटना इत्यादि में दिखाकर फाइनली हमारे पास आए थे और उनका हमने ऑपरेशन किया, सक्सेसफुली इलाज किया। उनका दाहिने कूल्हे की कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी तो इसलिए उसका ऑपरेशन करना पड़ा और बाएं कूल्हे को हमने बिठाकर उसका इलाज किया। DDH या कंजेनाइटल डिसलोकेशन हिप एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है। इसका इलाज लंबे समय तक चलता है और एक से ज़्यादा सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती हैं और लगातार बच्चे को फॉलोअप में रखना पड़ता है। आज की डेट में यह बच्चा अपने दोनों पैरों पे नॉर्मली चल पा रहा है और उसके दोनों कूल्हे सॉकेट के अंदर हैं। हालांकि यह ट्रीटमेंट होने के बाद भी बच्चे को लगातार फॉलोअप में रखना है जब तक कि उसकी स्केलेटल मैच्योरिटी या ग्रोथ पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि उसके बाद भी कूल्हों को बाहर जाने का खतरा रहता है। अगर हम किसी वजह से कूल्हों को अंदर सॉकेट में नहीं रख पाए या अंदर बाहर कूल्हे का बॉल होता रहा तो इससे प्रॉब्लम ये आती है कि कूल्हे का जोड़ ख़राब हो जाता है, उसकी आर्थराइटिस हो जाती है और बहुत यंग एज में ही कूल्हे को बदलने का ऑपरेशन करना पड़ता है। DDH का अगर सही समय पर सही इलाज हो जाए तो दोनों कूल्हे बिल्कुल नॉर्मली एक नॉर्मल बच्चे की तरह या एक नॉर्मल एडल्ट की तरह से डेवलप होते हैं और स्केलेटल मैच्योरिटी के समय बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो आज आपको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि DDH के बारे में सजग रहें। अगर बच्चे के कूल्हे के जोड़ में कोई भी इस तरह की समस्या हो तो तुरंत अपने बच्चे की जांच कराएं ताकि आपको इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।